फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां ऑल क्रिएटिविटी हेयर पे। फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर आ ही गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है हेयर पे और स्किन पे। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ रेमेडी लाई हूँ ताकि आपको विंटर में ज़्यादा कुछ स्किन पे प्रॉब्लम ना आए, चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी स्किन में ना विंटर के टाइम में डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, वाइटिंग नहीं होते, ग्लो नहीं करते, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी का सॉल्व के साथ मैं आई हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको तो बस कुछ नहीं करना है, बस आपको ये करना है कि घर में जो चीज़ है, मतलब हनी तो है ही आपके घर में, वही आपको यूज़ करना है। कॉफ़ी तो हर कोई घर में पीते हैं, तो कॉफ़ी यूज़ कर लो। मैं जैसे कि नेस्कैफे यूज़ कर रही हूँ। हाँ, लेमन तो होते हैं, लेमन भी चाहिए होगा। तो ये तीन चीज़ आपको चाहिए होगा, वो भी इस रेमेडी को बनाने के लिए। ज़्यादा कुछ पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको पार्लर जाने का ज़रूरत है। घर में आप बस आधा घंटा लेके आप बैठ जाओ, फिर आप देखना अपने स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आएगा अपने फेस पे, चमकदार और बेदाग। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट तक। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगी, मैं वीडियो नेचुरल बनाती हूँ क्योंकि आपको नेचुरल सब कुछ पता लगे, नेचुरल सब कुछ दिखे। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ क्योंकि आपको नेचुरल सब कुछ दिखे वीडियो में, नेचुरल सब कुछ सुनाई दे, नेचुरल आपको दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है इस रेमेडी को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं, जैसे मैं पहले बोल चुकी, तीन चीज़ चाहिए होगा और आपको आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा खुद के लिए। आधा घंटा, हाँ फ्रेंड्स, हाँ, तीन घंटा, आधा घंटे के लिए आपको टाइम देना होगा। जैसे कि आपको पता है, इस चीज़ को हफ्ते में दो या तीन बार लगाओ, ठीक है, दो बार लगाओ, बहुत इनफ है विंटर के टाइम में, इनफ है। ये रेमेडी आप पूरा फेस पे लगा लो, फिर आधा घंटा रख के आप नॉर्मल पानी से धो लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी टर्न है उसके बाद ग्लो नहीं करता है, ठीक है, डार्क सर्कल है वो भी चला जाएगा, ग्लो करेगा, चमकदार होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके स्पॉट्स है वो स्पॉट्स चला जाएगा, ठीक है, और आपको क्लियर एक फेस दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा निखार आएगा आपके स्किन पे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए क्या करना होगा, चलिए देख लेते हैं। और कैसे बनाना होगा, जैसे कि तीन रेमेडी है, तीन रेमेडी को कैसे अच्छे से आपको अच्छे से मिला लेनी है, फिर अपने फेस पे लगा लेनी है, चलिए देख लेते हैं। पहले ये जो मैंने डाबर का हनी है, तो डाबर का हनी ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये डाबर का हनी है, ठीक है, चलिए डाबर का हनी यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हनी है आप एक से हाफ चम्मच आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक से हाफ चम्मच आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने एक चम्मच ले लिया, ठीक है, देख ही सकते हो। फिर मैंने ये नेस्कैफे का कॉफ़ी ले लिया है, नेस्कैफे है, देख ही सकते हैं, इजी से मिल जाएंगे आपको घर में, नेस्कैफे तो पीते ही हो। फ्रेंड्स, एक से हाफ चम्मच आप ले सकते हो, ठीक है, तो मैंने एक चम्मच ले लिया है, ठीक है। उसके बाद लेमन एक से तीन ड्रॉप लेनी है, तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको ना गाढ़ा करके लेनी है, क्योंकि गाढ़ा टाइप का होना है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्योंकि आपके फेस से ना नीचे को गिर जाएगी, तो आपको थोड़ा सा गाढ़ा करके इसको फेंटना है, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो नेस्कैफे है थोड़ा सा वैसा ड्रस्ट है, तो इसको अच्छे से मिला लेना है, वो भी गाढ़ा करके, ज़्यादा पतला नहीं, क्योंकि पतला अगर ये पैक बनाओगे तो आपके चेहरे से बिल्कुल नीचे टपक के गिर जाएंगे। तो जैसे इतने अच्छे से आपको मिला लेना है, फ्रेंड्स अच्छे से मिला लिए हैं, तो आपको फेस पे अप्लाई करके बताते हैं कैसे इसको लगाना है। फ्रेंड्स, इस मास्क को ना आप आधा घंटे के लिए अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दो, हफ्ते में दो बार इस विंटर में ये मास्क आप यूज़ करो, बिलीव मी आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर आप मुझे बताना। चले फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मिल चुका है, देख। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं अपने फेस पे लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इस मास्क को मैं यूज़ करने के लिए क्या करूँगी, पहले एक हेयर बैंड के ज़रिए मैं अपने हेयर को सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि अगर फेस पे अगर ये हेयर आ जाएंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और पैक एकदम बाल में लग जाएंगे, तो इसको मैं अपने सर पे लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगी, इस पैक को लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। और मैं एक छोटा सा ब्रश ले लूँगी, जिससे मैं इस पैक को अच्छे से फेस पे, बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा एक ब्रश है, जो मास्क मैं लगाऊंगी, इसके हेल्प से मैं लगा लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, इस मास्क को मैं कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। फ्रेंड्स,
इस मास्क को मैं कैसे यूज़ करती हूँ चलिए देख लीजिए। बस वो जो ब्रश आपको दिखाया है, इस ब्रश के हेल्प से आपको ऐसे ऐसे करके आपको पूरे चेहरे पे लगा लेनी है। देखिए जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का हाथ से कीजिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पूरे फेस पे लगा लेनी है। बहुत ही अच्छा सा ये पेस्ट बना है, बन के तैयार फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको रेमेडी अगर आप चाहते हो विंटर के लिए, या आपको गर्मी के सीज़न में अगर ऐसे ही आपको चाहिए ऐसे ऐसे पैक, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे नए नए वीडियो कैसे लाऊंगी फ्रेंड्स। आपके लिए तो मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको आप सुंदर दिखो, आप ग्लोइंग दिखो, यही तो मैं चाहती हूँ, आप लोग सुंदर दिखो। आपका प्यार हमेशा हमें चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि मैं नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ, बहुत ही नेचुरल, ज़्यादा एडिटिंग करती नहीं हूँ, बहुत नेचुरल क्लियर सब कुछ दिखे वही मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस रेमेडी को आप फॉलो करो हफ्ते में 2 बार, इस विंटर में देखना आपका स्किन कितना ग्लो होगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेंगे आप, बिलीव मी। अब बस एक बार ट्राई तो करो, फिर आप हमें बताना कि आपको कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताना कमेंट करके इस पैक से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, फिर आप देखना आप कितना अच्छा ग्लो करोगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।